आज हम आप लोग के साथ गोभी चिली की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसको रेस्टोरेंट या होटल में कैसे बनाया जाता है उसकी एकदम आसान रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। हाय, मैं स्वस्ति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गोभी चिली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लीटर पानी एक पैन में डाल देंगे और एक चम्मच नमक डाल देंगे, और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम गोभी की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करेंगे हम, सबसे पहले डंठल काट के हटा देंगे, इसमें जो डंठल है सारे डंठल को हटा देंगे। तो ये देखिए मैंने डंठल को हटा दिया है। अब जिसका बड़ा बड़ा डंठल है उसका थोड़ा सा कट कर देंगे और बीच से इसको कटिंग कर देंगे। इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, तो इसी तरह सारे गोभी की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए सारे गोभी की कटिंग हो गई है। अब हम इसको पानी में डाल के दो तीन पानी से अच्छे से धो लेंगे, और ये देखिए ये अच्छे से धुल चुका है। अब पानी भी गर्म हो चुका है तो इसमें गोभी डाल देंगे और इसको सिर्फ एक मिनट के लिए ही उबालेंगे, इसको ज़्यादा नहीं उबालना है। तो इसको एक मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे। तो ये देखिए एक मिनट हो चुका है, अब गैस बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको ठंडा होने देंगे, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी सब्जियां काट लेते हैं। तो प्याज हम दो ले लेंगे और इसको बीच से चार टुकड़े कर देंगे और उसके बाद सबको अलग अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरह अलग अलग कर देंगे, आप चाहें तो इसके बीच से लंबा लंबा टुकड़ा भी कर सकते हैं, पर ऐसे अच्छा लगता है ये देखने में भी और खाने में भी। आप शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इसमें हम एक शिमला मिर्च डाल रहे हैं, आप अपने पसंद के कलरफुल शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल पीला हरा सब मिक्स करके। उसके बाद एक गाजर भी काट लेंगे और थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन काट लेंगे, और ये देखिए ग्रीन चिली भी पांच लगभग ले लिए हैं। आपको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो इसके लिए ग्रीन चिली ले लेंगे। अब कॉर्नफ्लोर इसमें दो चम्मच डाल देंगे और मैदा भी दो चम्मच डाल देंगे। उसके बाद काली मिर्च पाउडर हाफ चम्मच और रेड चिली पाउडर भी आधा चम्मच डाल देंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच और सेजवान सॉस एक चम्मच डाल देंगे। ये सेजवान सॉस ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और एक चम्मच नमक डाल देंगे। सेजवान सॉस डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, नहीं तो गोभी थोड़ा सा उबाला हुआ है फिर वो टूट जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस पे तेल पहले से डाल चुके थे गर्म होने के लिए, तो ये तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जितने गोभी आएंगे उतने गोभी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको दूसरे साइड भी उलट देंगे, इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे कि ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी बने। आप चाहें तो इसको एक बार फ्राई करके दोबारा भी फ्राई कर सकते हैं, पर हम एक ही बार इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो
तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब बाकी जो गोभी बचे हुए थे उसको भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी एक बार में डाल सकते हैं और इसको जब मिलाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है। अब तेल थोड़ा कम कर देंगे, लगभग 2 चम्मच इसमें रहने देंगे और उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन 2 चम्मच डाल देंगे और अदरक भी घिस के 2 इंच लगभग वो भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पकने देंगे और उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च जो मैंने 5 काटे थे वो डाल देंगे और उसके बाद प्याज, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च और गाजर भी डाल देंगे। इसको ज़्यादा भुनना नहीं है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और हमको क्रंची रखना है। तो अब इसमें हम डायरेक्ट सॉस डाल देंगे। तो टोमेटो केचप 2 चम्मच डाल देंगे और सोया सॉस 1 चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे ही इसको रेडी करेंगे। विनेगर 2 चम्मच डाल देंगे, उसके बाद ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच और रेड चिली सॉस भी 1 चम्मच डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा डालने से तीखा हो जाएगा। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें लगभग 1/2 चम्मच ही नमक डालेंगे क्योंकि सॉस जो है सोया सॉस ये सब में ज़्यादा नमक होता है। और काली मिर्च पाउडर इसमें 1/4 चम्मच डाल देंगे और रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच डाल देंगे और ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम भी हाई कर देंगे। हम एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये सॉस सब में मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब इसमें कॉर्नफ्लोर का जो घोल है वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसमें फ्राई किया हुआ गोभी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको टॉस भी कर सकते हैं पर मुझे नहीं आता इसलिए हम डायरेक्ट इससे कर रहे हैं। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए गोभी चिली रेडी हो चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको अब हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए एक प्लेट ले लेंगे और उसमें डाल लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा ये गोभी चिली बनके रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे और जब ये सर्व करेंगे तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि ये सिर्फ गोभी का है। तो आप सब भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आप सबसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ।